हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 22, जिसमें देखेंगे वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम आरएस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को या फिर इसके प्रीवियस क्वेश्चंस एक्सरसाइज को जाके हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको वो जितने भी बेसिक इसके प्रॉब्लम हैं वो सॉल्व हो जाए। और जब वो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी ईजी वे में समझ में आएगा। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 22 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 5k एंड बी इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को याद करें, क्वेश्चन सेम था, डिजिट चेंज था और उसमें डायरेक्शन क्या था, ए प्लस बी था। इसमें डायरेक्शन क्या है, ए माइनस बी। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही केवल डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में ए लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपके पास कितना है, 3i प्लस जे माइनस 5k, और बी में आपके पास कितना है, i प्लस 2j माइनस के। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर में जोड़ में हम क्या कर रहे थे, हम इसको जोड़े इसके साथ या फिर इसको जोड़े इसके साथ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट माइनस में पहले a है तो a वाले को पहले लिखेंगे, यानी 3 माइनस i के पास कितना है, 1i प्लस फिर j के पास कितना है, 1 माइनस 2j प्लस अब k के पास कितना है, तो k के पास जो आपके पास है माइनस 5 माइनस माइनस 1k। अब ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 1 में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस 1j प्लस। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 में से 1 घटाइएगा तो माइनस 4, तो माइनस 4 और प्लस माइनस 4k। तो यहाँ तक हो गया, यानी a माइनस बी हमारा निकल गया। तो a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि a माइनस बी तो आ गया, अब यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एनी वेक्टर, यदि मेरे पास कोई a वेक्टर होता तब a वेक्टर होता, यहाँ पे क्या हो जाता, x1i प्लस x2j प्लस x3k, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a तो आ गया, बट हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, चूँकि आपके क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। और मेरे पास x1 के जगह कितना है, 2, x2 के जगह कितना है, माइनस है ना, तो -1, x3 के जगह कितना है, -4। तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
प्लस माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और 4 ऐड करेंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 21। यहाँ हो गया ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए का वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही ना हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए की जगह पे किस लैंग्वेज में हमें निकालना है, डायरेक्शन क्या होगा ए माइनस बी, तब यहाँ पे क्या करेंगे ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मेरे पास कितना है 2i माइनस जे माइनस 4k, और a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी अभी हम निकाल रहे हैं रूट 21, या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अलग अलग 2 बाई रूट 21i माइनस 1 बाई रूट 21j माइनस 4 बाई रूट 21k, यही हमारा क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देख लेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इक्वल टू आपको वैल्यू दिया हुआ है, b इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी। क्वेश्चन यहाँ पे है डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी, a मेरे पास जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, b जो दिया हुआ था उसको लिख लिए। अब पहले हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, और a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, a में से b को घटाएंगे, तो यहाँ पे घटा दिए। घटाने के बाद जो मेरे पास a माइनस बी का रिजल्ट है वो आया 2i माइनस 1j माइनस 4k। अब इसके बाद क्या किए हैं कि फॉर एनी वैक्टर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे फॉर एनी वैक्टर ए वैक्टर इक्वल टू एक्स वन आई प्लस एक्स टू जे प्लस एक्स थ्री के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर। बट हमें डायरेक्शन क्या चाहिए था, हमें जो डायरेक्शन चाहिए था वो चाहिए था ए माइनस बी, तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए के जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी रख दिए, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो है हमारा फाइनल रिजल्ट रूट 21 आया। उसके बाद क्वेश्चन था कि यूनिट वेक्टर निकालना था, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है जिसको हम लिख रखे हैं। अब यहाँ पे ए के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए था, डायरेक्शन ए माइनस बी होना चाहिए था, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, सारे को वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लें।